उनको यहाँ मुलाजमतें दी जाती हैं, तो लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जो हमारी जो मईशत है, जो हमारा रोज़गार है, जो हमारा तशख़ुस है, सबको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आज़म जो है इसमें बिल्कुल तमाशा बन के देख रहे हैं, तमाशाबीन बन के देख रहे हैं। चाहे वो कोई भी जो दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात हो, नफ़रत फैलाई जाए, चाहे जम्मू कश्मीर में ये पकड़ दकड़ का माहौल है, वो तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुझे उनसे इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई जर्नलिस्ट फहद शाह को देखिए, सजाद गुल को देखिए, इसको गौहर गिलानी को देखिए, और कितनों के मैं नाम लूँ जो सच बात करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो जर्नलिस्ट का हाल है जो इस कौम के पिलर होते हैं, जिनका काम ही होता है सच बोलना और सच्चाई लोगों तक लाना। बाकी आम इंसान की तो बात ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। जो आम इंसान तो कोई बात ही नहीं कर सकते। अगर कोई बाबी कहीं हमला हो जाता है, तो श्रीनगर में कल भी कोई 50-60 लड़कों को पकड़ के ले गए, कहीं पर कोई मस्जिद में कोई नारा देता है तो दूसरी जगह लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे कश्मीरी पंडित भाई के ऊपर हमला हो गया, कोई 100 लड़कों को इन्होंने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं होता है। किसी को कहते हैं वाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं ये मिलिटेंटों का जो है हमदर्द है। उसके नाम पे लोगों को पकड़ के लिया जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम सुनते हैं श्रीनगर में फलानी जगह एनकाउंटर हुआ, फलानी जगह एनकाउंटर हुआ। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर हालात ठीक होते तो दिन ब दिन फौज की तादाद जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ाई जाती, दिन ब दिन जगह जगह पर बंकर और तलाशियाँ नहीं होती। अगर हालात ठीक होते तो फिर तो फौज को वापस जाना चाहिए, फिर तो एस्पा ख़त्म होना चाहिए, फिर तो फौज की तादाद कम होनी चाहिए, फिर तो यहाँ के लोगों के साथ ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि 10 लाख फौज दुनिया में अगर कोई जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फौज का तनाजुल है आबादी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा है वो जम्मू, वो कश्मीर है, कश्मीर है। और यहाँ पर दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ाई जाती है, कम नहीं होती। और दिन ब दिन UAPA, NIA, ED, PSA जितने भी कानून हैं, जितने भी ख़तरनाक कानून हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको एक लेबॉरेटरी बनाया गया है। मगर मैं कहना चाहती हूँ उनको जो दिल्ली में बैठे हैं कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं है। आपने इस वक्त इसको जेल खाना बना के रखा हुआ है, आप फौज के बंदूक के बलबोते पर यहाँ के लोगों को दबाना चाहते हैं, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि आपको इसके लिए जो आपने जो यहाँ किया इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करना चाहती हूँ जी जी, जिन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने कोई गैर आइनी का इकदाम उठाया उसके खिलाफ फैसला दिया, और जिस तरह से 370 यहाँ ख़त्म किया गया वो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम था। ये नहीं कर सकते, 370 को सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म कर सकती थी, जो कि इस वक्त नहीं है। इन्होंने गैर आइनी तरीके से अपने ही आइन, जो हिंदुस्तान का आइन है, उस पर शब खून मारा, उसको ख़त्म करके इन्होंने हमारा 370 ख़त्म किया, जिसकी कोई जवाजत नहीं बनती है। तो अफसोस ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पिछले 3 साल से उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ, हम तो कहते हैं पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, मगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो कमाल कर दिया, और हमारा सुप्रीम कोर्ट तो अभी तमाशा ही देख रहा है।